हेलो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, हाउ टू ऐड इक्वेशन नंबर और इक्वेशन ऑप्शन इन एमएस वर्ड्स। व्हेन यू आर वर्किंग इन word environment may have a requirement about add any mathematical statement. How you can add a mathematical statement with the help of equation option you can easily do that. हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई word में कोई equation है, वो आप MS Word में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको वो equation add कर। In first steps click on the insert menu or you can say insert tabs. Then in second step move your cursor to the right side of the ribbon. जैसे ही आप लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिबन अपीयर हो जाता है। उस रिबन में आपने राइट साइड पे माउस को लेकर आना, जैसे मैं राइट साइड पे लेकर आया हूँ। इन स्टेप 3 क्लिक ऑन सिंबल ऑप्शंस और वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप मींस नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर और नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो क्लिक ऑन द सिंबल्स एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द इक्वेशन और सिंबल ऑप्शन। इज द वे यू कैन गेट और यू कैन ऐड इंसर्ट इक्वेशंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स फॉर अपकमिंग यूज full videos for the beginners. Let's make a practice. अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस, हाउ टू अडॉप्ट, हाउ टू ऐड एनी इंसर्ट इक्वेशन, इंसर्ट इक्वेशन एंड पोज प्लस माइनस साइन थीटा वैल्यू। सो दिस इज अ वे वेयर यू कैन अडॉप्ट to add any equation. Don't forget to subscribe the channels for useful upcoming videos.